दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स के बारे में, लाइक आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ टाटा पावर और 10 ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर कंपनियों ने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कल के दिन आपको इन सभी कंपनियों के डिविडेंड की एक्स डेट देखने को मिल रही है। तो यदि आप इन कंपनियों के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो कल का ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। साथ ही साथ यहां पर 1:2 के बोनस की रिकॉर्ड डेट भी निकल कर आ चुकी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं टाटा पावर के साथ अपनी वीडियो को स्टार्टिंग करना चाहूंगा। टाटा पावर जहां पर आज के दिन हमें इस शेयर से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है, जहां कल ही के दिन हमें एक पॉजिटिव न्यूज टाटा पावर के अंदर आते हुए देखने को मिली थी, जिसमें टाटा पावर की ही सब्सिडरी कंपनी रिसर्जेंट पावर वेंचर्स ने यहां पर जो एलओएल था पीटीसी का वो यहां पर जीत लिया है, जिसके कारण आज के ट्रेडिंग व्यू में भी आपको एक शानदार पॉजिटिव मूवमेंट टाटा पावर की शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल चुका है। वह टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ प्रवीण सिन्हा ने आज इंटरव्यू के दौरान, आज के दिन हमें टाटा पावर का एक बहुत बिगेस्ट इंटरव्यू देखने को मिला है। इंटरनेशनली ये इंटरव्यू यहां पर हेल्ड हुआ है, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं टाटा पावर के सीईओ प्रवीण सिन्हा ने कुछ बड़ी अपडेट्स डिक्लेयर करी है। टाटा पावर ऑन इंडियाज जर्नी टू बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड द अप्रोच टू अचीव वेरियस एसडीजी गोल्स फॉर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। तो यहां पर बहुत बड़े स्टेटमेंट इस इंटरव्यू के दौरान यहां पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहां पर एक और अपडेट्स आप देख सकते हैं, टाटा पावर इंडियाज क्लाइमेट कोलैबोरेटिव एम्फेसिस द रोल ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन बाय पावर सेक्टर एडेड बाय इनोवेटिव एंड पॉलिसी एक्सचेंज विद पार्टनरशिप इन अचीविंग द एसडीजी गोल्स। तो यहां पर आज के दिन जो हमें टाटा पावर की तरफ से ये इंटरव्यू हेल्ड होते हुए देखने को मिला है, इसके जैसे ही आउटकम्स निकल कर आ जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस इंटरव्यू की कंप्लीट ऑफिशियल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस इंटरव्यू की एक्सेस कर पाएंगे और पूरे इंटरव्यू को अगर आप कंप्लीट रीड करना चाहते हैं तो यहां पर रीड कर सकते हैं। तो टाटा पावर का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है, यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें एक बहुत ही शानदार न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। आप डेट कन्फर्म कर सकते हैं, आईटीसी साइंस सेकेंड होटल अंडर मेमोरीज ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, माफ करिएगा, मेमेंटोस हैज साइन अ न्यू प्रॉपर्टी इन जयपुर एक्सटेंडिंग इट्स प्रेजेंस इन राजस्थान। तो यहाँ पर आईटीसी ने जो लग्जरी होटल्स ब्रांड है इनकी मेमेंटोस, उनके साथ में यहाँ पर एक शानदार पार्टनरशिप यहाँ पर साइन करी है। आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आपको आईटीसी की शेयर प्राइस के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर आपने आईटीसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जहां पर आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर लगभग 1-1.25% के करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर आप बने रहते हैं यहां पर तो डेफिनेटली इस शेयर्स के अंदर आपको 255 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 228 रुपए के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर्स के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। वहीं आईटीसी की तरफ से आज के दिन हमें एक और बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 7,75,760 शेयर्स कंपनी ने ईसोप, ईसोस और ईपीएस के थ्रू यहां पर इश्यू किए हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर एक मल्टी ईयर डील साइन करी है। आप देख सकते हैं यूरो क्लियर ग्रुप्स के साथ में कंपनी ने यह मल्टी ईयर डील साइन करी है, जिसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म में तो मिलने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आपने शॉर्ट टर्म पर्पज से भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आपको कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज फर्म एचसीएल टेक्नोलॉजी ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड अ न्यू मल्टी ईयर एप्लीकेशन डील विद यूरो क्लियर ग्रुप टू एक्सेलरेट इट्स एग्लाई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद टेक्नोलॉजीज एंड वर्किंग प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव इट्स डिजिटल कैपेबिलिटीज। तो यहां पर अल्टीमेटली कंपनी अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए यह मल्टी ईयर डील साइन होते हुए देखने को मिल रही है।
कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको HCL के अंदर भी कुछ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल के लिए आप इस शेयर्स के अंदर 1200 रुपए के टारगेट को लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ इसका 1110 रुपए का सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर्स के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। करंट शेयर प्राइस पर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे लॉन्ग टर्म पर्पज से पिक करते हुए चल सकते हैं। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को भी चेक करेंगे तो यहां पर भी आपको वही मल्टी ईयर डील की साइन की यहां पर प्रेस रिलीज देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जहां पर आपको बोनस की अपडेट्स तो देखने को मिल चुकी है, लेकिन आज के दिन हमें कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट भी यहां पर अनाउंस होते हुए देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि IEX के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 822 रुपए का हाई देखने को मिला है और 19 अक्टूबर के दिन ही शेयर्स ने अपने ऑल टाइम हाई को भी यहां पर अचीव किया था। IEX के अगर डिलरेबल बेस काम की बात करें तो आज के दिन हमें इस शेयर्स के अंदर लगभग 30% क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और फाइनली कंपनी की तरफ से जो यहां पर बोनस अनाउंस किया गया था उसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 6 दिसंबर 2021 कंपनी ने अपने बोनस की रिकॉर्ड डेट यहां पर अनाउंस करी है, यानी कि एक्स डेट को अगर लेकर चलें तो 5 दिसंबर 2021 तक अगर आप IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आज के दिन हमें इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके बाद कल के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर भी वॉल्यूम अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है और डिलरेबल बेस काम में काफ़ी शानदार परसेंटेज देखने को मिल सकता है। IEX ने जो अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। इसके बाद यदि आप इस शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से बने रहना चाहते हैं तो यहां पर आप आने वाले 6 महीने में 1000 रुपये तक के टारगेट लेकर चल सकते हैं और साथ ही साथ 650 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को लॉन्ग टर्म पर्पज से यहां पर मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो अपडेट्स यहां पर बताने जा रहा हूं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं तो यहां पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि आप जो अपडेटेड शेयर मार्केट की न्यूज है उससे मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां पर आपको सारी अपडेट्स हम कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज ही के दिन हमने आपके साथ यहां पर यानी कि टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट शेयर करी थी, जिसमें हमने बताया था आपको कि यहां पर कल के दिन कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स के डिविडेंड की एक्स डेट यहां पर देखने को मिल रही है। लाइक एस्ट्रल की बात कर लें, जहां पर 1.25 रुपये का डिविडेंड, औरोबिंदो फार्मा 1.50 रुपये का डिविडेंड, बालकृष्ण इंडस्ट्री 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, EID पेरी 5.50 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, EPL 2.15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, ईसैब इंडिया 22 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, MRF 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, पेज इंडस्ट्री 150 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, पेट्रोनेट LNG 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड एंड श्याम मेटेलिक्स 2.25 रुपये का डिविडेंड, जिसकी अगर आप इन कंपनियों के अंदर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो कल आपके पास आखिरी मौका है इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। साथ ही साथ अगर आप मेन इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बोनस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो बोनस के लिए भी कल आपके पास आखिरी मौका है 1:2 के रेशो के बोनस के लिए। तो इन अपडेट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और साथ ही साथ पेटीएम IPO की लिस्टिंग हमें 18 नवंबर को देखने को मिलने वाली है, तो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।